पुलिस लाइन में 30वीं वाहिनी पीएससी गोंडा से 250 रिक्रूट आरक्षी का आगमन हुआ, जिसका आधारभूत प्रशिक्षण आरटीसी प्रभारी मृत्युंजय राय की देखरेख में प्रारंभ हुआ। कुल 249 पीएससी रिक्रूट आरक्षी पुलिस लाइन गोरखपुर में वाह एवं अंत विषय की अंतिम परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिसमें से 247 पीएससी रिक्रूट आरक्षी उत्तीर्ण होकर दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुए। एडीजी जोन अखिल कुमार ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। आपको बता दें कि जिसमें सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले अभिषेक राय को प्रथम पुरस्कार, राघवेंद्र साहनी को द्वितीय पुरस्कार, अजीत पटेल को तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। सभी प्रशिक्षुओं को दीक्षांत समारोह के बाद उनके नियुक्ति आवंटित वाहिनी से आए प्रतिनिधि के साथ भेजा जाएगा। इस अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, एसपी लाइन राहुल भाटी, सीओ प्रशाली गंगवार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, परेड का सम्यक रूप से नेतृत्व संभालने परेड के शीर्ष स्थान पर जा रहे हैं और इसके बाद ही कमांडर राघवेंद्र साहनी शाबाश शाबाश और कायदा जी के उत्साह को देखकर बर्बस ये कहना ही तुम्हारे दिल की दुल्हन भी जरूर कब होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। आज ये समाज के रक्षक की परेड है, दीक्षांत समारोह है और इनको ये सीख भी मिली है। शाबाश शाबाश और कैडेट्स के उत्साह को देखकर बर्बस ये कहना ही पड़ेगा कि जिंदगी भी मधुर की तो हो जाएगी, हर पराजय स्वयं जीत तो हो जाएगी और शूल भी फूल लगने लगेंगे तुझे, गर्वतन से तुझे प्रीति हो जाएगी। खास करके इतने समर्थ सक्षम दयालु अहर्निश समाज की सेवा करने वाले अपने 73 परिवार के मुखिया के सानिध्य में, उनके सानिध्य में शपथ ग्रहण करने का गौरव ही एक अलग सौरभ रखता है। शाबाश।
पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा रखूंगा। एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन विधि अनुसार पूर्ण साहस, निर्भीकता तथा जनता के साथ शिष्ट सभ्य सौम एवं मधुर व्यवहार। शिवम सिंह साक्षात्कार में प्रथम पुरस्कार शिवम सिंह के बाद उसका अभिषेक राय पदार्थ प्रतिष्ठा में आईपी प्रथम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब पुरस्कार हमने स्वर्णिम अभि को दिया। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज करीब 250 पीएससी रिक्रूट आरक्षी प्रशिक्षण पूर्ण करके उत्तर प्रदेश पुलिस में ट्रेनिंग के पश्चात अपना कार्य शुरू करेंगे। आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस में स्वागत है और बधाई। मैं न केवल आपको बधाई देता हूँ, आपके जो समस्त परिजन हैं उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि ये जर्नी, ये यात्रा आपकी व्यवसाय नहीं रही है। कई वर्षों की मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम आपको इस समय पर स्थान के लाया। आज जो एक गजानंद माहौल है, एक बहुत मेहनत आपने फिल्म पर ग्राउंडेड भी किया है, सीख रहा है ग्राउंड की चारों ओर, जो आपने ग्राउंड की कायाकल्प पिछले दो दिन में मेहनत से बदली और आपके रंगीन हिसाब से आपकी धरती, ये कई वर्षों की मेहनत के बाद ही स्थान पर आदमी पहुँचता है। कई परिवारजनों का त्याग तपस्या, आपकी स्वयं की त्याग और तपस्या ही आपको यहाँ पर लगती है। कठिन ट्रेनिंग के बाद जिसमें आपने कई विषय वस्तु को समझा होगा, सीखा होगा, देखिए आज गोरखपुर पुलिस लाइंस में हमारे जो नए रिक्रूट्स हैं उनके दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ है। इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में एडीजी जोन सर द्वारा परेड की सलामी ली गई है। बहुत ही भव्य परेड का यहाँ पर आयोजन हुआ है। हमारे जो नए रिक्रूट्स हैं जो आज पासिंग आउट परेड के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस का अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं, मैं उन सभी को, उनके परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इस गौरवशाली बल का वो हिस्सा बनते हुए इसका नाम और रोशन करेंगे और प्रदेश की सेवा में अपने आप को समर्पित करेंगे। आज 250 के आसपास जो हमारे रिक्रूट कांस्टेबल्स हैं उनकी यहां पर पासिंग आउट परेड हुई है और अब यहां से प्रशिक्षण के बाद ये पीएसी में ज्वाइन करेंगे।